झारखंड में ईडी को मिला काली कमाई का खजाना। पैसा गिनते गिनते गर्म हो गई मशीनें, फिर नई मंगानी पड़ी। झारखंड में सोमवार को ईडी के रेड में नोटों की पहाड़ का खुलासा हुआ है। सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के सहायक के ठिकाने पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। साथ ही रांची में अलग अलग ठिकानों पर एक्शन जारी है। संजीव पाल के सहायक के ठिकाने से अब तक जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए, उन्होंने अधिकारियों के होश उड़ा रखे हैं। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिनती हो चुकी है। रकम इतनी ज्यादा है कि मशीनें हार मानने लगी हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने की एनआईए जांच की सिफारिश। आतंकी संगठन से फंड लेने का आरोप। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि आतंकी संगठन सिर्फ फॉर जस्टिस से उनको फंडिंग की गई है। एलजी को मिली शिकायत के मुताबिक इस आतंकी संगठन से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। ये रकम देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद और खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए मिली। पुलिस से बात ना करें, बंगाल के राज्यपाल का राजभवन कर्मचारियों को आदेश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसको लेकर कोलकाता पुलिस ने एसआईटी गठित की है। इसी बीच राज्यपाल ने एक आदेश दिया है जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। टीएमसी के पूर्व सांसद राज्यसभा डॉक्टर शांतनु सेन ने राष्ट्रपति से आरोप लगाने वाली महिला की मदद करने की अपील की है। जौनपुर से टिकट वापस नहीं किया, बीएसपी ने काटा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के चुनावी रेस से बाहर होने के बाद सीट पर सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि श्रीकला ने बसपा से मिले टिकट को लौटा दिया है, लेकिन अब धनंजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। धनंजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी ओर से टिकट वापस नहीं किया गया है, बल्कि उनकी पत्नी का टिकट काटा गया है। काली कमाई के गोदाम बना रही कांग्रेस, नोटों के पहाड़ निकल रहे आंध्र प्रदेश में विपक्ष पर बरसे पीएम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग कल यानी 7 मई को होनी है। इसी बीच पीएम मोदी लगातार रैलियां और सभाएं कर रही हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर जुबानी हमले बोले। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन आए दिन ईडी चलाते हैं, आज इसका जवाब पूरा देश देख रहा है। पुंछ अटैक में छिंदवाड़ा का लाल शहीद, बीजेपी ने पूछा कहां गायब है कमलनाथ और नकुलनाथ। मध्य प्रदेश में पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले वायु सेना के शहीद जवान विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर आज छिंदवाड़ा लाया गया। श्रद्धांजलि देने खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सवालिया लहजे में पूछते हुए कहा कि आखिर कमलनाथ और नकुलनाथ कहाँ है। आगे उन्होंने कहा कि वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ये लोग सेना के खिलाफ हैं। वैसे कमलनाथ इस बार सूबे में प्रचार से भी दूर हैं। शशि थरूर ने किया विजय वडेट्टीवार के बयान का समर्थन, बोले आरोपों की हो जांच। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान का सांसद शशि थरूर ने समर्थन किया है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया और आरोपों की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के मुंबई हमले के शहीदों को लेकर दिए विवादित बयान पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। विजय वडेट्टीवार के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता के दावे का समर्थन किया और कहा कि नेता के गंभीर आरोपों की जांच की जानी चाहिए। पाकिस्तान में आई नई हुकूमत, यहां भी 4 जून के बाद पुंछ आतंकी हमले पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वायुसेना के काफिले की गाड़ियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लंगेट हंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की। पीएम मोदी पर मुकेश सैनी का बड़ा हमला, वीआईपी चीर ने कर दी चांद और जमीन की बात। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं। सोमवार यानी 6 मई को एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि 2014 में अच्छे दिन दिखाने का सपना दिखाकर सत्ता में आए, लेकिन आज महंगाई और बेरोजगारी से दुर्दिन ला दिए, आज हर एक आदमी परेशान है। इस दौरान मुकेश सहनी ने चांद और जमीन की बात की और बड़ा हमला बोला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ी खबर,
आपके कई नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच दल बदल का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली में कभी बीजेपी विरोधी खेमे पर भारी पड़ रही है तो कभी विरोधी दल बीजेपी को झटका देने में सफल हो रहे हैं। आपके कई बड़े नेता सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दामन थामने वालों में आपके हरियाणा इकाई के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, द्वारका से आप नेता मुकेश सिन्हा और कादीपुर से प्रवीण राणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम रविवार को हुआ।